पूरे बिहार में कर्मचारी मजदूर संघ द्वारा नगर परिषद से लेकर नगर निगम और नगर पंचायत में धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि जो भी एनजीओ कार्य कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए और मजदूरों को जो है रेगुलर किया जाए। अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी भी इनके यूनियन में हैं। उनकी मांग है कि जो वेतनमान सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो यहाँ भी लागू किया जाए ताकि मजदूर अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। तो तालाबंदी की है, आप लोग क्या मांग है? हड़ताल 3 दिन से चल रहा है, आज नहीं पूरे बिहार में नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत के मजदूर कर्मचारियों ने अस्थायीकरण के सवाल पर एनजीओ हटाओ और मजदूरों को अस्थायीकरण करो इस सवाल पर पूरे बिहार में हड़ताल है। सरकार के खिलाफ मजदूर रोड पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि आज कम से कम 18,000 जो आप समान वेतन समान काम के आधार पर अगर आप देते हैं तो 18,000 प्रति माह मजदूरों का वेतन आप तय करिए और धीरे धीरे मजदूरों को अस्थायीकरण की ओर ले जाइए, अस्थायीकरण करिए, एनजीओ से आउटसोर्सिंग से मुक्ति दिलाए। इसके सवाल पर पूरे बिहार में महासंघ स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हम लोग भी यहाँ डिहरी नगर परिषद जो एक्ट 2 से संबद्ध है उसके समर्थन में हम उतरे हुए हैं। आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं, काम बंद कर दिए हैं और अपनी मांग के लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि मजदूर के जो मांग है ये जायज मांग है। उनके बाल बच्चे कैसे जिएंगे, उनके घर के चूल्हा कैसे जलेगा। आज इस महंगाई में 18,000 रुपया कम से कम प्रत्येक जो नए मजदूर है उनको सरकार दे, उसके वो दुर्घटना के समय उसको सुरक्षा की व्यवस्था करें, उसके दवा दारू की व्यवस्था करें। इन तमाम जो मांग है इस मांग के लेकर अस्थायीकरण जो मजदूर हैं, पुराने हमारे मजदूर हैं, उनको 6ठा वेतन मान मिलता है लेकिन उनको 7वां वेतन मान सरकार अविलंब दे, क्योंकि सरकारी कर्मियों में केंद्रीय कर्मियों में 7वां वेतन मान मिल रहा है तो उसके समतुल्य काम कर रहे हैं तो इनको भी 7वां वेतन मान मिलना चाहिए। हम दोनों के मांग के लेकर आज हड़ताल पर बैठे हैं, चाहे मेरे अस्थायी मजदूर भाई हो चाहे अस्थायी मजदूर भाई हो, और जब तक सरकार नहीं देगी यह आंदोलन चलता रहेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। आपके साथ अस्थायी मजदूर भी है, अस्थायी भी हमारे साथ। आप देखिएगा कि डिहरी नगर परिषद मजदूर कर्मचारी संघ माने मजदूर भी है मेरे साथ, कर्मचारी भी है, अस्थायी भी है और अस्थायी भी है, सभी माने एकमात्र यह यूनियन मेरा ही है, दूसरा कोई यूनियन नहीं। अस्थायी को अभी क्या वेतन मिल रही है? अस्थायी को लगभग 36,000 छठा वेतन मान के हिसाब से 34,000 से लेकर 36,000 पर मंथ मिल रहा है। 7वां वेतन मान जैसे होगा वो 42 पार कर जाएगा। हम चाहते हैं कि उसको 7वां वेतन मान सरकार दे जो अन्य कर्मचारियों को दे रही है। मैं अलग से नहीं मांग रहा, अन्य कर्मचारी को आप दे रहे हैं सरकारी संस्थानों में उसको उसके इसके बावजूद भी हम यहाँ के वासी हैं, इस समाज में रहते हैं, अगर कहीं किसी वार्ड में वो नरकीय स्थिति हो जाए, पानी बंद हो जाए, अब आज तीज का पर्व है, महिलाओं को जाना दिक्कत हो जाए तो वहाँ दो चार मजदूर हमारे भाई जाके वो नली खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कसाई जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। आज भी किसी पर विकट पड़ेगा तो हम वहाँ खड़ा है, हमारे मजदूर खड़ा है, लेकिन मेरा भी पेट है, अपने हक के लिए हमें लाचारी है इस आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक सिंह माले नेता, माले नेता एक्ट 2 के जिला सचिव और महामंत्री, इस यूनियन के महामंत्री।